महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में होने वाले बीएमसी चुनाव में बीजेपी और एमएनएस गठबंधन की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। पिछले दिनों लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में हुए विवाद के बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि बीजेपी और एमएनएस मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं, शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस का मुकाबला कर सकती हैं। खबर ये थी कि बीएमसी चुनाव में शिवसेना को हटाने के लिए बीजेपी और एमएनएस एक साथ आ सकते हैं। सदन में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस से जब इस गठबंधन को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही। फडणवीस ने यह भी कहा कि राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर का मुद्दा जरूर उठाया, लेकिन वो मुद्दा हमारा था। गठबंधन की खबरें झूठी हैं, निराधार हैं। दूसरी तरफ एमएनएस नेता यशवंत केलकर ने भी बीजेपी और एमएनएस के बीच गठबंधन को लेकर चल रही बातचीत की खबर से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। केलकर ने कहा है कि अगर बीजेपी एमएनएस के साथ गठबंधन करना चाहती है तो हम इसका स्वागत जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि राज ठाकरे जून के पहले हफ्ते में अयोध्या जाने वाले हैं और इस दौरान वो सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिलने वाले हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, कयास ये लगने शुरू हो गए कि महाराष्ट्र में एमएनएस और बीजेपी गठबंधन कर सकती है। पिछले दिनों राज ठाकरे ने यूपी से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की खूब प्रशंसा की थी, खूब तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि धार्मिक जगहों खासतौर पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने की कार्रवाई के लिए मैं सीएम योगी आदित्यनाथ का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस दौरान सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना भी साधा था उन्होंने और कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी हैं। महाराष्ट्र में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी आ रही थी कि बीजेपी एमएनएस के बीच गठबंधन लगभग तय है। मामले में 21 अप्रैल को दोनों दलों के बीच बैठक होने की खबरें भी आई थी, लेकिन फिलहाल फडणवीस ने जो कुछ कहा है, जो बयान दिया है, उसे लेकर ऐसी कोई भी स्थिति परिस्थिति बनते दिखाई नहीं दे रही है कि एमएनएस और बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान साथ आएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हाल ही में बीएमसी चुनाव भी होने हैं और आगामी विधानसभा चुनावों पर भी इस गठबंधन का बड़ा असर पड़ सकता है, अगर ऐसा गठबंधन होता है तो। खबरें ये भी थी कि इस गठबंधन के लिए आरएसएस की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन फिलहाल देवेंद्र फडणवीस ने गठबंधन की खबरों को अफवाह बताया है, इससे इनकार कर दिया है और इससे इन तमाम बातों पर फिलहाल अल्प विराम लगता दिख रहा है कि एमएनएस यानी राज ठाकरे और बीजेपी महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।